प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज व्याकरण में हम पाठ 22 में से अपठित गद्यांश लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, अपठित गद्यांश वो होता है जो आपके बुक में नहीं होता है और किसी दूसरी किताब में से हम आपको एक पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उससे जो आंसर आपको उसी पैराग्राफ में आंसर मिलते हैं। आपने सेकंड क्लास में भी किया है ये और थर्ड में भी। तो देखो बेटा, अपठित गद्यांश का मतलब है गद्य का वह अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। जब इन गद्यांशों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखो, ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इसका स्टाइल बता रही हूँ, आपको क्या करना होता है। ये गद्यांश होता है, फिर इसमें नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर इसमें से ही छांट कर लिखना होता है। तो हम आज ग्रामर की बुक का एक अपठित गद्यांश करेंगे, लेकिन बेटा आपको जो पेपर में आएगा या आपको जब भी क्वेश्चन में करने को आएगा, दूसरा आएगा, ये वाला नहीं आएगा। किताब के सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है? तो आपको इनकी प्रैक्टिस करके रखना है। अब देखो, पढ़ो इसको। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। उस समय सूर्य की किरणों का आगमन होता है, चारों ओर प्रकृति की अनोखी छटा बिखरी होती है। प्रातःकाल शीतल एवं मंद वायु चलती है, इस वातावरण में सैर करना बहुत अच्छा लगता है। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट कानों को बड़ी प्रिय लगती है। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं। बाग बगीचों में फूलों की शोभा देखते ही बनती है। वास्तव में प्रातःकाल का दृश्य हमारे मन में आशा और उमंग भर देता है। अब देखो, प्रातःकाल का दृश्य कैसा होता है, तो आपको ये वाला आंसर इसमें ढूंढना है। तो प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। देखो, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। प्रातःकाल किस प्रकार की वायु चलती है, तो ढूंढो यहाँ पे किस प्रकार की वायु चलती है, तो ये रहा इसका आंसर। प्रातःकाल शीतल एवं मंद वायु चलती है। फिर थर्ड, किसकी चहचहाहट कानों को प्रिय लगती है, अब आपको इसका आंसर भी ढूंढना पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट कानों को बड़ी प्रिय लगती है। तो बेटा, ऐसे ही अपठित गद्यांश में कभी भी आपको जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो गद्यांश पढ़ा हुआ नहीं मिलता है, है ना? तो जो बुक के में है वो बुक का नहीं आता है, वो बुक से अलग आता है। तो जैसे व्याकरण की बुक का भी आपका प्रैक्टिस के लिए है। किस चीज़ के लिए है? प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपका एग्ज़ाम में जो आएगा वो अलग से आएगा। अब देखिए, आपकी बुक में कितने दे रखे हैं, इधर देखो, ये सेकंड नंबर पे दे रखा है। इसमें आप देखिए, ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं देके सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, इसमें भी देखो, पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो बेटा, आपको ये वाली एक्सरसाइज आपको अपने आप करना है, ठीक है? ढूंढेंगे और उसको करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके बता दूंगी। लेकिन बेटा, अपठित में हमेशा जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो ये कैसा होगा, बिना पढ़ा हुआ, है ना? जो आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा वो ही वाला आपके पास में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक और देखिए, प्रदूषण का अर्थ है, ये वाला आप पढ़ेंगे। इसमें भी पूरा पढ़ने के बाद आप देखेंगे
कि क्या दिया हुआ है? ये देखिए, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो प्रदूषण का क्या अर्थ है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण का जन्म कैसे होता है? अब बेटा मैं सारे आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपको इनको करना सीखना है। करना सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही ये सारे करें, ठीक है? आपके देखो प्रैक्टिस के लिए ये एक और दिया हुआ है यहाँ पे, है ना? ठीक है, तब आप इसको भी अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखेंगे, जो आपकी बुक में यहाँ पे दिए गए हैं, पाठ में जो दिए गए हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। आपको दूसरा पैराग्राफ आ सकता है, या एक्सरसाइज में से जो बुक की एक्सरसाइज है उसमें से आपको, जैसे जांच परख है, इसमें से आपको अपठित गद्यांश आ सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सारी करके रखना है। तो आपको आज मैंने अपठित गद्यांश बताया, इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैंने अनुच्छेद लेखन बताया था, मेरे प्रिय मित्र पर पांच वाक्य। आपको ये दोनों लर्न करना है और करने की प्रैक्टिस करना है, मेरा प्रिय मित्र को लिखने का अभ्यास करना है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों एक्सरसाइज आपको बहुत ध्यान से करना है। धन्यवाद।